सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे दो कदम आगे हैं। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। आज का पंचांग 21 मार्च 2020, दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 7:56 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:08 से 10:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:44 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 6:20 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मीन राशि 21 मार्च 2020, दिन शनिवार, यह समय एक नई शुरुआत के लिए बेहद शुभ है। एक नई परियोजना को आरंभ करने का भी विचार आपके दिमाग में है। अपना दर्जा बढ़ाने के लिए आप स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। एक नए लुक को ट्राई करें जिससे आप फ्रेश और सशक्त महसूस करेंगे। अपने विचारों को संगठित करने का सही समय आ गया है। निर्णय लेने में अपनी स्वाभाविक बुद्धि का पालन करें। आज अनुचित जोखिम ना लें क्योंकि इसके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। नई परियोजनाओं या संबंधों की शुरुआत हो सकती है। खुद पर भरोसा करना सीख लें। सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। दूसरे लोग आपके करिश्मे से आकर्षित हैं और आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाहर निकले और नई शानदार नए संपर्कों के साथ आज का दिन हो सकता है। उद्देश्यों को खोजने के लिए नई कंपनी से आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, परंतु आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपका समय काफी व्यस्तता से भरा भी हो सकता है। काम में आपका दिन बीतेगा। कुछ लोगों को ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। सावधानियां, खुद के लिए घातक प्रलोभन से बचें और रिश्तों में सच में चौकन्ना होने के लिए घरेलू परेशानी को हल करने के लिए काम करें। अपने अतीत के झटके पर ज्यादा ध्यान ना दें। इसके बजाय अपने सामने के अवसरों को देखें। अच्छा भाग्य आपके साथ है, इसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप धन आय को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अपने शूर्यत या व्यक्तित्व को बदलने की सोच सकते हैं। अपने पार्टनर या किसी खास का साथ आपको विशेष खुशी प्रदान कर सकता है, इसलिए उनको नजरअंदाज न करें। अपने विचारों को समझें और उन पर अमल करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। जरूरी निर्णय लेते समय दिल के सुने या अपने पार्टनर के साथ चीजों का निरीक्षण करें। साथ ही अपने पार्टनर के सुझावों पर भी ध्यान दें। करियर की बात करें तो आपके लिए आज का दिन धन लाभ के साथ साथ नई संभावनाओं का भी है। हर कार्य में सफलता मिलेगी व धन लाभ होगा। बस अपनी शक्ति और कमजोरी को पहचानें। व्यवसाय में नई शुरुआत के लिए अपने प्रियजनों या नजदीकी लोगों की सलाह अवश्य लें। अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने का यह अच्छा समय है। अपने दिल की सुने क्योंकि इससे कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। सेहत की बात करें तो आज आप अपनी जीवन शैली से गंदे और अस्वस्थ विकारों को निकाल फेंकेंगे। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज उसे छोड़ने का उचित समय है। आज आप अपना ध्यान व्यायाम और अच्छे खान पान पर केंद्रित करें।
आप इन दिनों योग में समय बिताना चाहेंगी। आज का उपाय, आज आप गरीब विकलांगों की सहायता करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।